अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। आज हम आपके साथ बीफ समोसा की रेसिपी शेयर करेंगे। बीफ समोसा बनाने के लिए पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब 1 टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। टू फिफ्टी ग्राम हमारे पास यहाँ बीफ का कीमा है। ये अब 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। दस से 15 मिनट हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए यूं ही छोड़ देंगे। कीमा अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम बाकी के अज़ा शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च है हमारे पास यहाँ, ये एक बड़े साइज़ की, दरमियाने साइज़ का एक प्याज है जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, गरम मसाला है पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च है पिसी हुई 1/2 टीस्पून। एक से दो मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। एक से दो मिनट हमने इसको पकाया है ताकि प्याज थोड़ा हमारा नरम हो जाए। बस चूल्हा अब इसका हम बंद कर लेंगे और ठंडा होने का इसका वेट करेंगे। कीमा अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया है हमारे पास। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मांडा पट्टी है हमारे पास यहाँ, ये हमारी होममेड मांडा पट्टी है और इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी होके देख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए समोसों को स्टिक करने के लिए एक लेसी हमने तैयार की है। 3 टेबल स्पून मैदे के अंदर 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मैंने घोल सा तैयार कर लिया है। समोसा बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इसरा पट्टी उठाई, इसको सिंपल हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और अब जो दूसरा फोल्ड हम बनाएंगे वो यहाँ पर, ये अपना अंगूठा आप रखें और इसको इस तरह आप घुमा के एक ये समोसा सा आप तैयार कर लें। अब इसके अंदर हम ये कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब दोबारा इसको हम फोल्ड करेंगे और ये जो लई हमने तैयार की है ये हम इसकी साइडों पे स्टिक करेंगे। एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। दोबारा से एक पट्टी लेंगे, उसको उसी तरह एक फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया और अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे और इसको सिंपल यहाँ से हम स्टिक कर देंगे। ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं समोसा तैयार करने के लिए। इस तरह मैं तमाम समोसे तैयार कर लेती हूँ। समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। समोसों को हम डीप फ्राई करेंगे।
दरमियानी आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम इसको बाहर ले लेंगे। अब एक तरफ से इस पर कलर आ गया है, इसको हम पलटा देके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। समोसे अब तैयार है, उसको हम बाहर ले लेते हैं। बीफ समोसा अब हमारे सर्विंग के लिए तैयार है। आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। किसी भी डिप के साथ आप इसको एंजॉय करें। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।